सबसे पहले आपको प्लास्टिक शीट पर ग्लू लगाकर इस तरह के पाइप्स को एक एक करके चिपका देना है और अब शीट को भी इस तरह से गोल घुमाकर चिपका लेना है। फिर इसके नीचे साइड पर भी ग्लू को इस तरह से लगा देना है जिससे सीमेंट बाहर ना निकले। और अब इस प्रिंगल्स वाले खाली डिब्बे को इसके बीचों बीच रखना है, फिर सीमेंट के घोल को इसमें भर देना है और इसे सूखने के लिए रख देना है। सूखने के बाद आपको इन सभी को बाहर निकाल देना है। अब इसे मन चाहा कलर करके आप इसका इस्तेमाल अपने छतों को रखने के लिए कर सकते हो, जो कि दिखने में भी काफी सुंदर लगेगा। वाओ,